नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम BHU M.Sc Bioinformatics ईयर 2017 एंट्रेंस। क्वेश्चन 25, विच मेटल एक्ट्स एज अ कोफैक्टर इन नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज जो है ये एंजाइम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ये अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और इसका जो कोफैक्टर है वो मॉलिब्डेनम भी है और आयरन भी है, क्योंकि वो FeMO जो क्लस्टर है वो एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, मॉलिब्डेनम भी होगा और आयरन भी होगा। 26, सुसाइडल बैग्स आर आल्सो कॉल्ड। सेल्स में लाइसोसोम्स जो हैं उनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और अगर ये लीक हो जाएं, यानी कि अगर ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाएं, तो सेल की डेथ हो जाती है, तो इस वजह से इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 6 कार्बन शुगर, यानी कि किस शुगर में 6 कार्बन नहीं है। तो इसमें जो डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज जो है वो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज तीनों 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 28, कोरलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन। कोरलॉइड रूट्स जो होते हैं इनमें एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जो है एनाबेना साइकिडी। तो नॉर्मली ये साइकैड्स में पाया जाता है जिसमें साइकस आता है, लेकिन ये जामिया में भी पाया जाता है, तो जो कोरलॉइड रूट्स हैं वो आपको जामिया में भी मिलेंगी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोजाइम। आइसोजाइम या आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएशन होता है, बट उनका जो फंक्शन है वो सेम होता है, यानी कि वो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो जो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है इसके आइसोजाइम्स पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 30, हेमोसाइनिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ। हेमोसाइनिन एक ब्लू कलर का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग ब्लड पिगमेंट है, इसमें कॉपर पाया जाता है, और ये मोलुस्क में के ब्लड में पाया जाता है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन कैरी करता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 31, हेटरोट्राइकस फॉर्म इज। हेटरोट्राइकस फॉर्म में जो थैलस होता है, यानी कि जो बॉडी होती है, वो डिवाइड होती है प्रोस्ट्रेट सिस्टम में और एक अपराइट पार्ट में, जैसे प्लांट्स में होता है रूट और स्टेम, उस तरीके से डिवीजन होता है, ये आपको मिलेगा फ्रिस्चियला में, ऑप्शन 2। 32, होमोस्पोरस फर्न इज। होमोस्पोरस का मतलब होता है मेल और फीमेल जो स्पोर्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, तो वो आपको मिलेगा इक्विसिटम में, ऑप्शन 1। 33, ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स जो हैं वो HCl प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, और ये स्टमक में पाए जाते हैं, यही ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। 34, द एलिवेटेड रेड सेल काउंट इज कॉल्ड। एलिवेटेड रेड सेल काउंट का मतलब होता है RBC का नंबर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो ये पॉलीसाइथीमिया में की एक कंडीशन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 35, कॉलुमेला इज एब्सेंट इन। कॉलुमेला जो है वो एक स्टेराइल टिश्यू का एक्सेस है जो स्पोरेंजियम के जस्ट नीचे पाया जाता है, यानी कि ये स्पोरेंजियम का बेस है, ये रिक्सिया में मिलता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 36, एक्टोपैरासाइटिस। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है वो पैरासाइट जो सरफेस पे होंगे, यानी कि वो बॉडी के अंदर नहीं पाए जाएंगे, सरफेस पे पाए जाएंगे, तो इसमें जो इरिसिफी है वो एक एक्टोपैरासाइट है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ DNA रेप्लिकेशन के दौरान नहीं होती है। पहला है अनवाइंडिंग ऑफ पेरेंट डबल हेलिक्स, तो ये सही है, यानी कि जो पेरेंट डबल हेलिक्स है वो अनवाइंड होगा, उसके स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वो भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पीसेस दैट आर यूनाइटेड बाय DNA लाइगेजेस, तो ये भी सही है, यानी कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनते हैं जो कि बाद में DNA लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तीसरा है पॉलीमराइजेशन इन द डायरेक्शन फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये गलत है,
क्योंकि जो इलोंगेशन होता है वो 5' to 3' होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 38. विच प्लांट इज अ सोर्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, यानी कि किस प्लांट से एंटी मलेरियल ड्रग मिलता है, तो वो है आर्टिमेसिया. इससे जो ड्रग मिलता है उसको कहते हैं आर्टिमेसिन, जो कि मलेरिया की एक बहुत अच्छी दवाई है. 39. इन F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो 9:7 इज अ रिजल्ट ऑफ. F2 जनरेशन में जो 9:7 रेशियो आता है, ये 9:3:3:1 का मॉडिफिकेशन है. ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के द्वारा आता है. ये मैंने अपना जो मेरा जो एपिस्टेसिस का वीडियो है मेरे चैनल पे, इसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. 40. ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय. ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 41. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स स्टेम सेल्स इन बोन मैरो टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल. तो इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है और RBC की उससे सिंथेसिस होती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 42. द एड्स वायरस इज. एड्स वायरस जो है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक रेट्रोवायरस क्लास का ग्रुप है, का मेंबर है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी में पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन किसका होता है, तो वो है IgG. ये 75% होती है, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का अमाउंट बहुत कम होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 44. द प्लांट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू बिलोंग्स टू फैमिली अकैंथेसी इज. तो अकैंथेसी का एक ऐसा मेंबर जो मेडिसिनल प्लांट है वो है एडहोता वैसिका, ऑप्शन 2. 45. माइकोरिजा हेल्प्स इन. माइकोरिजा जो है वो एक सिम्बायटिक एसोसिएशन है प्लांट रूट और फंगस के बीच में. प्लांट रूट जो है वो फंगस को शेल्टर और न्यूट्रिएंट फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस जो है वो बेसिकली फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन करता है, यानी कि वो इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट को एज अ न्यूट्रिएंट के फॉर्म में मिलता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन, ऑप्शन 1. 46. द वेगस नर्व फाइबर्स इनहिबिट द हार्ट रेट बाय रिलीजिंग. जो वेगस नर्व है वो एसिटिल कोलिन रिलीज करती है. एसिटिल कोलिन जो है वो पेसमेकर पे जाकर उसके उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिससे हार्ट रेट डिक्रीज होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एसिटिल कोलिन. 47. एक्सक्रीशन इन एम्फीबियंस इज. एम्फीबियंस जो है वो अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फॉर्म्ड एट लास्ट ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन. तो ग्रेस्टुलेशन में जो मेसोडर्म है वो सबसे लास्ट में बनती है. पहले एक्टोडर्म एंडोडर्म बनते हैं और ये दोनों लेयर्स मिलके मेसोडर्म बनाती हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 49. DNA एब्रेशंस आर कॉज्ड बाय. DNA म्यूटेशन या DNA एब्रेशन जो हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट EMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट और एक्सरे, इन तीनों से होता है, ABA से नहीं होता. एब्सेसिक एसिड जो है वो एक प्लांट हार्मोन है, इससे कोई म्यूटेशन नहीं होता. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है. ये होना चाहिए DNA एब्रेशंस आर नॉट कॉज्ड बाय, तब जो आंसर होगा वो होगा ABA. इसमें 1, 2, 3 तीनों ही इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं. 50. गोल्डन राइस इज रिच विद. गोल्डन राइस जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, और ये येलो रंग का होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, यानी कि इससे विटामिन ए की सिंथेसिस होती है. 51. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी. तो इसमें जो एल्डोस्टेरोन है ये किडनी में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है, इसीलिए इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2.
52. Which of the following hormone induces callus formation? जो प्लांट में कैलस फॉर्मेशन है, कैलस जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. जब आप एक्सप्लांट को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कराते हैं तो सबसे पहले जो प्लांट की सेल्स हैं वो डिवाइड करके एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनाती हैं, इसको कैलस कहते हैं. कैलस फॉर्मेशन के लिए 24D ऐड किया जाता है. 24D जो है वो एक ऑक्सिन है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 53. इन अ टिपिकल मराइन एनिमल द आयन फ्रैक्शन इन द सेल इज डोमिनेटेड बाय. किसी भी मैराइन एनिमल में जो सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट जिस आयन का पाया जाता है वो है पोटेशियम. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 54. रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. रिलैक्सिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान बनता है और ये ओवरीज बनाती हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 55. ट्राइसोमी इज डिनोटेड बाय. ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसको हम डिनोट करते हैं 2n+1, यानी कि 2n में एक क्रोमोसोम बढ़ गया. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 56. विच हार्मोन रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और ये जो रेगुलेट होता है ये होता है थ्रू FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. Thank you.